हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चेस्ट 34 इंच फुल बाजू की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है और ये दोनों देखिए हमारी बाजू कढ़ाई वाली है। ये कढ़ाई हमारी नीचे की तरफ आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बाजू को अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद जो हमारी कढ़ाई है किनारी, उसको हमें बराबर रखना है। इस तरह से एक बराबर रख लेना है। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमारा एक इंच का कपड़ा है, इसको हम नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर हम बाजू की लंबाई 19 इंच रखेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, जितनी भी आप लंबाई लेना चाहती हैं। तो अब हम यहाँ पर निशान लगा कर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देनी है। तो अब हम सूट को लेंगे और जो हमारा ऊपर की तरफ शोल्डर है वहाँ पर हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है। 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हम आर्महोल की लंबाई नापेंगे। जहाँ तक हमारा सूट की फिटिंग वाला निशान है वहाँ तक हमें लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लंबाई 8 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ से बाजू की गोलाई कर देनी है। तो अब हम बाजू की मोरी नापेंगे। बाजू की मोरी हमारी 9 इंच है। तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगी। फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर की साइड यहाँ पर, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। और नीचे की तरफ भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है। 1/2 इंच की हमें गहराई देनी है। ऐसा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर एक 20 सेंटर पर कट लगा देना है। एक कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच रहेगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई पर कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा कि आगे की साइड हमारी कौन सी है। तो यहाँ पर कट ज़रूर लगाना है और नीचे की तरफ इतना हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक बाजू की कटिंग करी है। तो अब हम दूसरी बाजू की कटिंग करेंगी। कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगी और इसके ऊपर हमें दूसरी बाजू रख लेनी है। और यहाँ पर देखिए हमारा दूसरी बाजू का कपड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक पट्टी सिल लेनी है, अलग से पट्टी सिलेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, सेम निशान लगा लेंगे पहले। यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं, यही वाली पट्टी हम इधर की तरफ लगा लेंगी। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये मैंने कटिंग की है, इसी को हम यहाँ पर रख लेंगी और रखने के बाद सिलाई लगा लेंगी। तो इतना कपड़ा हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। फिर हम पूरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी बाजू को भी कटिंग किया है। यहाँ पर हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगी और रखने के बाद एक सिलाई लगा लेंगी। और नीचे की तरफ देखिए हमारी कढ़ाई आई हुई है। तो इस तरह से हमने चेस्ट 34 इंच फुल बाजू की कटिंग करना सिखाया है। और बहुत ही आसान तरीके से
कटिंग की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।